नमस्कार, मैं हूं अजय धीमान, स्वागत करता हूं आपका फ्लाइंग कार पे। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं द्वारका सेक्टर 1 कार शॉपर्स पे। हमारे साथ कार शॉपर्स के ऑनर हैं संदीप जी। संदीप जी, आपका स्वागत है फ्लाइंग कार पे। सर, आपके पास कौन सी रेंज से कार जो वो स्टार्ट होती है, कौन सी रेंज तक कार जाती है? हमारे पास मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होती है और फिर अबाव जितना भी आप जाना चाहो जा सकते हो। 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, हर रेंज की आपको गाड़ी मिलेगी। किस तरह की जो कारें जो आप रखते हैं अपनी कार शॉपर्स पे? हमारी कोशिश रहती है अपर मॉडल रखने की। अबाउट 2012 से हमारी स्टार्टिंग रहती है। इसमें आपकी हैचबैक हो जाती है, सेडान, हैचबैक, सेडान, एसयूवी सारी आ जाती है। लग्जरी टाइप की भी आप कारें रखते हैं? लग्जरी भी रखते हैं। तो सर, आज जो हम अपने दर्शकों को फ्लाइंग कार पे कौन कौन सी कारें जो वो दिखाने वाले हैं? हमारे पास आज की जो मेरी रेंज है वो जैसे एसयूवी के अंदर खड़ी है, फॉर्च्यूनर्स हैं, पजारो है, स्कॉर्पियो है, और सेडान में भी काफ़ी रेंज है हमारे पास, फिर स्मॉल सेगमेंट में भी है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। आज हमारे पास सबसे पहले खड़ी है स्कॉर्पियो। सर, सबसे पहले स्कॉर्पियो की डिटेल। स्कॉर्पियो 2014 मॉडल है, एसएलई मॉडल है। SLE। सर, ये अपर मॉडल होता है, बेस मॉडल होता है? नहीं, ये स्टार्टिंग मॉडल है। स्टार्टिंग बेस मॉडल है, बेस मॉडल है। और ये गाड़ी जो है चली भी कम है, 65,000 के आसपास चली है। 60,000। सर, ये डीजल है या पेट्रोल? ये डीजल है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या ये मैनुअल ट्रांसमिशन? मैनुअल ट्रांसमिशन। 60,000 किलोमीटर चली हुई है। 60 to 65,000। कौन सी स्कॉर्पियो सर ये? कौन सा? ये 2012 14 है। 14 है और SLE मॉडल। SL और इसको एक S10 S6 क्या बोलते हैं? नहीं, जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो आती हैं S4 S6 S10 में। तो ये 2014 तक SLE वगैरह ये मॉडल आते थे, SLE VLX एयरबैग वाले मॉडल आते थे, ये SLE मॉडल है। तो सर, जब हम 2014 में अगर इस कार को लेने जाते हैं स्कॉर्पियो को, तो उस टाइम में कितने की पड़ती थी लगभग? सर, ये 12 लाख रुपए के आसपास, 11 से 12 लाख रुपए कॉस्ट करते थे। और इसका प्राइस जो है हमने 6.5 लाख रुपए रखा। कार शॉपर जो इसका प्राइस है वो 6.5 लाख रुपए है और 60,000 किलोमीटर चली हुई, 2014 मॉडल है। अगर सर कोई फ्लाइंग कार का रेफरेंस लेकर आपके पास आता है तो क्या कुछ प्राइस नेगोशिएबल हो सकता है? सर, हम जरूर एक अच्छी डील उनको देंगे, और अगर आपके थ्रू आते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो बन पाएगा हम उसका जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कार शॉपर्स पे विजिट करते हैं और फ्लाइंग कार का नाम लेते हैं तो 6.5 लाख की जो स्कॉर्पियो आप लोगों को मिल रही है, इसमें थोड़ा बहुत जो नेगोशिएट है वो हो सकता है। और आगे बढ़ लेते हैं तो हमें मिलती है, सर हम इसे गाड़ियों का राजा कहते हैं वैसे तो, फॉर्च्यूनर। सर, इसकी डिटेल। ये 2014 मॉडल है और 4x4 मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, और गाड़ी चली भी 70 to 80,000 के आसपास है और वेल मेंटेन जिसे कहते हैं। इसमें वैसे तो कंपनी फिटिंग सारी इसमें लग्जरी देती है, इसमें एक्स्ट्रा जो इसमें लगाया गया है, इसमें TRD किट लगाई है, TRD किट लगी हुई है, और टायर्स इसके ब्रांड न्यू है, और पूरी गाड़ी की फुल इंश्योर्ड भी है साथ में। सर, ये कार जो हम कार शॉपर्स में दिखा रहे हैं, ये बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है? नहीं, देखो, बम्पर टू बम्पर यूज्ड कार्स के अंदर बहुत कम चांस होता है कोई ओरिजिनल मिले। आज आप रोड पे 2018-19 भी चलाओगे तो छोटे मोटी स्क्रैच लग जाती हैं। दिल्ली के एक नॉर्मल बात है, छोटे मोटी ज़्यादा होने का, तो हम इसमें छोटा मोटा बम्पर्स या कहीं स्क्रैच होता है उसको हम टचअप करते हैं, उसके बाद रबिंग पॉलिश वगैरह या कोई रीपेंट हो, कोई पीस या रीपेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बम्पर्स वगैरह छोटे मोटे रीपेंट होते हैं। एक्सीडेंट कार में हम डील नहीं करते। एक्सीडेंटल आपके यहाँ पे जो एक्सीडेंटल कार वो नहीं मिलती? हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी आपको एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो भी नॉन एक्सीडेंटल है, ये भी नॉन एक्सीडेंटल, तमाम जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी नॉन एक्सीडेंटल है। बस थोड़ा बहुत टचिंग है वो करवाना पड़ती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती हैं और खड़ी खड़ी गाड़ी को लोग मार जाते हैं, तो थोड़ा बहुत टचिंग जो करवाना पड़ती है। 2014 मॉडल आपने बताया, इसमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं सर हम लोगों को? सर, इसमें एयरबैग से लेके मैक्सिमम कंपनी ही सारे फीचर्स देती है, तो ऐसा कोई फीचर्स मैं नहीं समझता कि इसमें एक्स्ट्रा की आपको जरूरत पड़ेगी, फुली लोडेड है। फॉर्च्यूनर डीजल में आती है सर? फॉर्च्यूनर डीजल, पेट्रोल में भी आती है लेकिन ये डीजल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। 2014 में अगर हम फॉर्च्यूनर को लेने जाते तो उस टाइम हमें क्या कीमत जो अदा करना पड़ती? 2014 में जब आप गाड़ी अगर नई परचेज करें तो उस टाइम 30 से 32 लाख रुपए के आते थे मॉडल, 12 से 14 तक 32 लाख रुपए के आसपास ये मॉडल चेंज हुआ है। और हम अगर कार शॉपर्स की बात करें तो कितने की हमारे दर्शकों को मिल जाएगी? सर, हमने इसका प्राइस जो रखा 16 लाख रखा। 16 लाख जी, इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट अगर फ्लाइंग कार से आता है तो रेफरेंस के थ्रू आएंगे, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम अच्छी डील जरूर देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कार शॉपर्स आप विजिट कीजिए और पहले आप अपनी डील कर लीजिए, उसके बाद आप फ्लाइंग कार का नाम लीजिए तो आपको नेगोशिएट जो है वो आपको एक अच्छी डील जो है वो ऑन टेबल मिल जाती है। फ्लाइंग कार जो है वो आप लोगों को घर बैठे बॉडी लाइन जो है वो एक तरह से दिखा सकता है। बाकी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कार शॉपर जो है वो क्या मीटर टेम्परिंग करता है या मीटर टेम्परिंग किसी कार में होती है? देखो, हम कोई मीटर टेम्परिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम किलोमीटर की 100% गारंटी देते भी नहीं है,
क्योंकि हम यूज्ड कार्स में काम कर रहे हैं और इसमें पहले से कुछ छेड़खानी हुई हो या ओनर ने या ड्राइवर ने या किसी ने भी कि मैकेनिक ने कुछ भी चेंजेस हुए हो, तो हम इसके लिए कस्टमर को इंजन की गारंटी देते हैं अपने। हमारे यहाँ चेक की जाती है गाड़ी पूरी और इंजन की हम पूरी गारंटी देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप कार शॉपर्स पे आइए। कार शॉपर्स अपने हैंड से कह रहे हैं कि वो मीटर को टेम्परिंग नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है पहले जो यूज़ करने वाले हैं वो मीटर टेम्परिंग कर सकते हैं। अगर सर मान लीजिए मैं आपसे गाड़ी ले लेता हूँ और मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, चलिए आपने नहीं या पीछे से किसी ने मीटर जो टेम्परिंग की है, उसके बाद क्या होगा सर? सर हम मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर आप मेरे पास गाड़ी परचेज़ भी करने के लिए आते हैं तो हम बायर को सबसे पहले यही चीज़ कहते हैं, देखो जी ये किलोमीटर की हमारी तरफ से टेम्परिंग या नॉन टेम्परिंग की गारंटी नहीं है। हम अपने एंड पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ी को चेक करते हैं और उसमें हम आपको इंजन की गारंटी देते हैं। किलोमीटर का क्या फ़र्क क्या होता है, किलोमीटर चलने से कुछ नहीं होता, मैकेनिकल इंजन अच्छा होना चाहिए। तो हम इंजन की आपको पूरी गारंटी देते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन की पूरी गारंटी हमारी दी जाती है। बाकी मीटर की इतनी गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हैंड से चाहें तो है इसको चेक करवा सकते हैं। आप चेक करवाना चाहें चेक करा सकते हैं, लेकिन हम इंजन की गारंटी आपको 100% देते हैं। अभी तक हमारी बातें काफ़ी हो गई, लेकिन हमारे पास शानदार गाड़ी खड़ी हुई है पजेरो। ये तो सर महाराजा है, फॉर्चुनर किंग है और ये महाराजा, वो राजा ये महाराजा है जिसे कह सकते हैं। सर फॉर्चुनर ये सिल्वर कलर है, ग्रे कलर? ये पजेरो है सिल्वर कलर में, 2013 का मॉडल है और सिंगल हैंड चली हुई। सिंगल हैंड है, जो हमने दो दिखाई वो भी सिंगल हैंड है? सारी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ सिंगल हैंड, सिंगल हैंड ही हैं। फर्स्ट ऑनर सब कर रहे हैं, इसमें कोई बम्पर टू बम्पर कोई? देखो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि छोटी मोटी टचिंग आपको मैक्सिमम गाड़ियों में मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रोड पे चलिए 5 साल चलिए 6 साल चलिए कहीं स्क्रैच ना हो। देखिए सर हमारा ये काम है कि हमारे दर्शक बैठे बैठे हमें घर पे देखते हैं, तो छोटी मोटी हालांकि इंजन और ट्रांसमिशन तो वो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी की बॉडी लाइन है उसको हम सर्टिफिकेशन जो वो करवा सकते हैं। बाकी इंजन और ट्रांसमिशन की सर्टिफिकेशन के लिए कार शॉपर्स उनको विजिट करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा हर वीडियो में रहता है, 2013 मॉडल है, कितने किलोमीटर चली हुई सर ये? सर ये 70-80,000 चली है। 70-80,000। और सर इसमें पजेरो में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? पजेरो में जैसे मैंने आपको बताया फॉर्चुनर पजेरो सब में ऑलमोस्ट कंपनी लग्जरी फीचर्स सारे देती है। जो गाड़ियाँ 30-32 लाख रुपए की आती हैं उनमें कंपनी की तरफ से सारे लग्जरी फीचर्स एयरबैग वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी। और इसमें मैं नहीं समझता एक्स्ट्रा कुछ ऐसे फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टच स्क्रीन स्टीरियो वगैरह लगा हुआ है, जो कस्टमर अपने हिसाब से लगवाता है। आपने बताया कि एक्स्ट्रा लगा हुआ, वो आउट ऑफ मार्केट हुआ या स्टॉक? वो आउट ऑफ मार्केट, आउट ऑफ मार्केट फीचर है। और अलॉय व्हील्स वगैरह हैं या? अलॉय व्हील्स हैं, आप देख सकते हैं सारे अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ है। टायर्स भी इसमें ब्रांड न्यू डले हुए। पजेरो की सर अगर हम माइलेज की बात करें तो कितने माइलेज देता है? सर पजेरो की माइलेज एसयूवी की अगर बात करें तो हर्रे की माइलेज 10 से 11 की ही आती है सिटी के अंदर। हाईवे पे आपको हो सकता है कि 12 दे दे 13 दे दे, वो आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। ये भी इसके हम 10-11 मान के चलते सर शहर के अंदर, बाकी आप बाहर ले जाते हैं आपकी ड्राइविंग के ऊपर ही सब चीज़ें तय करती हैं। मिसयूवी की सर इसकी अगर हम कार को ले लेते हैं, महाराजा कहते हैं हाथी पालना आसान नहीं होता, ये हाथी से बड़ा है, इसका मेंटेनेंस जो है वो किस तरह का रहता है सर? सर मेंटेनेंस तो मैं आपको बताऊं, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस इनका हैवी होता नहीं है। एक माइंड सेट आदमी का होता है या इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस के लिए अगर आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से चलें तो आपको सर्विस करानी होती है, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर वगैरह चेंज करा, तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों का सेम रहता है। लग्जरी कार्स का थोड़ा हैवी रहता है, कंपनी में जाकर अगर आप कराते हैं तो। और अगर पार्ट की बात आए तो पार्ट अगर आपका जीरो डेप्ट इंश्योरेंस वगैरह में कवर है तो वो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। पजेरो 2013 पजेरो स्पोर्ट है ये सर? पजेरो स्पोर्ट सर, पजेरो स्पोर्ट 2013 मॉडल, 70-80,000 किलोमीटर ये रनिंग है। डीजल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन है? मैनुअल ट्रांसमिशन है, 4x4 है। 4x4 सर अगर हम पजेरो उस टाइम लेने जाते हैं 2013 में तो कितने की इसकी कॉस्ट रही होगी लगभग? सर 2013 में भी अगर आप लेते तो मेरा अंदाजा है 33-34 लाख के आसपास ही होगी। और कार शॉपर्स पे 2019 में क्या प्राइस है सर इसका? सर ये 2013 का हमने इसका प्राइस जो रखा वो 13 लाख रखा। 13 लाख का है, तो काफ़ी बेहतरीन डील जो है वो कार शॉपर्स पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एसयूवी रेंज में आप लोग आज कारें देख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन डील आप लोगों को मिल रही है। आप लोगों से गुजारिश है कार शॉपर्स विजिट कीजिए, और फ्लाइंग कार का नाम लेंगे तो नेगोशिएट तो होना ही होना है, बहुत शायद मुझे लगता है पूछने की ज़रूरत नहीं है। सर एक और शानदार हमारे पास गाड़ियों का राजा अगेन फॉर्चुनर, सर वाइट कलर में बहुत ही प्यारी लग रही है ये, और भी देख रहा हूँ मैं वाइट कलर, लेकिन ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी, कुछ इसकी चमक ही अलग है। एक्चुअली क्या है वो ऑफ वाइट कलर था जो हम देख रहे थे, ये प्योर वाइट कलर है, ये प्योर वाइट है, तभी काफ़ी चमचमा रही है। बारिश हो रखी है, बूंदे भी हैं, लेकिन
इसकी शाइनिंग है ना बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि अभी भी शोरूम से लाकर ही खड़ी हो, लग नहीं रहा कि सेकंड हैंड कार है ये। तो सर सबसे पहले इस फॉर्च्यूनर की डिटेल। ये 2012 मॉडल है और ऑटो ट्रांसमिशन में है। ऑटो ट्रांसमिशन जी। डीजल में? डीजल में। डीजल में और 4x4 या ये 2? ये 4x2 में। 4x2 है ये। बाकी इसमें क्या क्या फॉर्च्यूनर में क्या क्या फीचर्स है वो हम लोगों को मिल जाते हैं सर? देखो अभी जो हमने पहले देखे 2014 मॉडल, ये 2012 मॉडल है, ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, सिर्फ मेन जो फ़र्क आता है वो ट्रांसमिशन का आता है। ये वो मैनुअल में है लेकिन उसमें 4x4 है और ये ऑटो में है इसमें 4x2 है। अगर सर माइलेज की बात करें तो 4x2 क्या माइलेज देती है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है तो इसका क्या माइलेज देता है लगभग? एक अगर माइलेज की बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है मैनुअल ट्रांसमिशन से 1-2 किलोमीटर ही कम की एवरेज देता है। मैनुअल से कम रहता है? मैनुअल से थोड़ी एवरेज कम रहती है लेकिन आदमी का उतना ही कम्फर्ट लेवल अच्छा हो जाता है। जहाँ आजकल आप दिल्ली में देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत रहता है तो एक ऑटो ट्रांसमिशन चलाने में आदमी को थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है। और ऑटोमेटिक जो वो थोड़ा महंगा भी मिलता है? ऑटोमेटिक महंगा। 2014 बताया आपने? 2012 भाई है। कितने किलोमीटर रनिंग है सर? सर ये चली है 85,000 के आसपास। 85,000। बाकी बंपर टू बंपर या बंपर पेंट है इसके? बंपर पेंट है, छोटा मोटा जो मैं आपको बताया, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की टचिंग होती है, बॉडी में कोई टचिंग नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक पार्ट्स जो है वही टचिंग। बाकी नॉन एक्सीडेंटल की तो गारंटी है? नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी। बाकी मीटर की कोई गारंटी नहीं है, वो आप अपने हैंड से चेक करवा सकते हैं? आप चेक करा सकते हैं। और मेन जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मीटर से ज़्यादा हम कंसंट्रेट करते हैं गाड़ी के इंजन के ऊपर। इंजन और ट्रांसमिशन दो चीज़ों के बारे में। इंजन ट्रांसमिशन गाड़ी का अच्छा होना चाहिए। अब सर हम बात कर लेते हैं वाइट कलर में जो शानदार लग रही है, दिल तो सर मेरा कर रहा है कि मैं इसे प्राइस ना बताकर आपसे ले जाऊँ पर फिर भी मेरा काम है दर्शकों को बताने का। क्या प्राइस है सर इसका? इसका हमने 14 लाख रखा। 14 लाख, काफ़ी बेहतरीन डील है। कार शॉपस विजिट करेंगे तो नेगोशिएट थोड़ा बहुत जो है वो हो जाएगा। एक और शानदार हमारे पास वाइट कलर में खड़ी हुई है, अगेन फॉर्च्यूनर। आज हम लोग आपको फॉर्च्यूनर दिखाए जा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन डील सर के पास मिलती है। बाकी सर ने बताया कि इनके पास लग्जरी कार भी मिलती हैं, हैचबैक भी मिल जाती है, सेडान भी मिल जाती है, जिस तरह की कार आप चाहें बस आपको विजिट करने की ज़रूरत है कार शॉपस। कार शॉपस का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर इसकी डिटेल सबसे पहले। सर ये भी सेम है जो अभी हमने पहले देखी, 2012 है, ऑटो ट्रांसमिशन में ही है, दिल्ली नंबर है, सिंगल हैंड चली हुई है और अप्रॉक्स ये थोड़ी सी 90,000 के आसपास किलोमीटर। बाकी सेम फीचर्स है सर जैसे उसके? कोई बदलाव कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं है, वही अपने अलॉयज, नए टायर्स, ब्रांड न्यू है। मेन चीज़ है कि ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के हमारे पास इंश्योरेंस है, सभी गाड़ियाँ जो वो फर्स्ट ऑनर है, नॉन एक्सीडेंटल है, ये एक सबसे बेहतरीन बात होती है किसी भी डीलर के पास। बहुत कम डीलर होते हैं जो इस तरह की डील करते हैं और बिल्कुल एकदम चमचमाती हुई, कोई स्क्रैच वो भी देखने को नहीं मिल रहा, जबकि दिल्ली की गाड़ियों में हल्की फुल्की टचिंग भी करवा रखी है बम्पर में, लेकिन बॉडी लाइन भी इनकी जो एकदम चमचमा रही है। तो सर मैं बात करूँगा इसके प्राइस की। सर इसका भी हमने 14 लाख ही रखा है प्राइस, 2012 मॉडल के हिसाब से सेम प्राइस हमने इसका। बाकी सर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं आप 14 लाख के एक रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं, अगर मैं ऑन टेबल आऊँ तो मैं कितना से कितना जो नेगोशिएट कर सकता हूँ आपको? सर ऑन टेबल देखो हर गाड़ी की डील में एक अलग रोल रहता है, रोल तो ऑन टेबल जब कस्टमर डील करने के लिए बैठता है तो बड़ी गाड़ी में मैं समझता हूँ 20-25,000-30,000 बार्गनिंग हो जाती है, और छोटी गाड़ी में? छोटी गाड़ी में 10,000-5,000 वैसे तो सर आज का जो हमारी कारें थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारे वीडियो का जो लास्ट पार्ट होता है, हम फर्स्ट टाइम आए तो हम आपको बताना चाहते हैं, एक छोटा सा पार्ट रहता है 2-4 मिनट का, इसको पूरा कर लेते हैं। तो सर अब सबसे पहला कि ये जितने भी हमने गाड़ियाँ दिखाई है आपके पास, जितनी भी गाड़ी होती हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी जो आप कस्टमर्स को देते हैं, जैसे लोन की फैसिलिटी रहती है क्या? सर देखो यूज कार्स के अंदर जो है सभी डीलर्स के पास सेम फैसिलिटी आपको मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी मिलती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है और फाइनेंस की जो सबसे मेन जरूरी फैसिलिटी थी वो भी हमारे पास आपको मिलेगी। फाइनेंस जो वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए और पैन इंडिया के लिए? सर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी है, क्योंकि पैन इंडिया पे अगर हम जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अदर स्टेट का अगर कस्टमर हमसे परचेज करता है, फाइनेंस कराता है, तो उसको दिल्ली में उस जगह पे उसको रजिस्टर करानी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट उसके पास होते नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं सर, तो आप डॉक्यूमेंटेशन किस तरह अपने हैंड से करते हैं या कस्टमर को अपने हैंड से करना पड़ता है? सर हम दोनों ही फैसिलिटी हमारे यहाँ पर है, लेकिन 90% होता है कि हम अपने हाथ से अपने थ्रू ही फाइनेंस करो ट्रांसफ़र कराते हैं, ताकि उसमें सेलर को भी थोड़ा श्योरिटी रहती है कि गाड़ी इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी।
एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा मेरे से कमेंट में पूछते हैं, जैसे सर दिल्ली NCR से बाहर, जैसे कोई UP से, कोई बिहार से, कोई MP से, कोई केरल से, कोई महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर हम परचेज तो कर लेंगे, मनी भी ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आप केरल या महाराष्ट्र या बेंगलोर या कहीं भी आप गाड़ी जो कैसे भेजें, कुछ इस तरह की फैसिलिटी है क्या? देखो इस तरह की फैसिलिटी है, अगर कुछ तो मैक्सिमम तो क्या होता है, हमारे पास भी आते हैं अदर स्टेट से गाड़ी लेने के लिए, मैक्सिमम कस्टमर सेल्फ ड्राइविंग करके गाड़ी ले जाते हैं, लेकिन जो कस्टमर सेल्फ ड्राइविंग करके गाड़ी नहीं लेके जाते तो हम उनको कार्गो के थ्रू उनके ट्रांसपोर्ट डिलीवरी जो हो जाती है करवा देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी डील है कि आप गाड़ियाँ जो तो यहाँ से देख ली है, बाकी आप अपने विश्वास के ऊपर, सर के विश्वास के ऊपर आप चाहें तो गाड़ी खरीद सकते हैं किसी भी स्टेट में बैठ के और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी, उसका भी सर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होता होगा। हाँ, वो जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वही रहेगा, बाकी सेल्फ ड्राइविंग करके ले जाते हैं फिर तो दिक्कत ही है। बाकी सर एक आखिरी क्वेश्चन, अब मैंने आपसे गाड़ी खरीद लिया है, हमारा एक रिश्ता बन जाता है, उस रिश्ते को आप आगे किस तरह निभाते हैं, कोई गारंटी वारंटी देते हैं किसी तरह की? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ इंजन और ट्रांसमिशन की पूरी गारंटी रहती है, डॉक्यूमेंटेशन की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं, और उसके अलावा जो एक हर कस्टमर को चाहिए होती है, कोई भी गाड़ी नई खरीदता है पुरानी खरीदता है, तो एक आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर के दिमाग में जरूर रहती है, यार अगर मेरी गाड़ी में बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं किसके पास जाऊंगा, कंपनी में जाएंगे, महंगा बिल आएगा, तो उसके लिए हमने अपनी हिपरी ऑफिस पे एक छोटा सा वर्कशॉप बनाई है जिसमें हम अपने बायर्स को आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। वो कितने टाइम तक रहती है, 3 महीने, 6 महीने, साल? सर जब तक वो हमारी गाड़ी यूज़ करेंगे तब तक उनके लिए आफ्टर सेल सर्विस है, जो क्योंकि हम उनको रिजनेबल चार्जेस पे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो मार्केट में काम उनको कॉस्टली पड़ता है हम उनको यहाँ कम से कम रेट में और एक अच्छा काम करा के देते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील है सर आपके यहाँ पे देखने को मिली, थैंक यू सो मच सर हमारे बाइस को इतनी अच्छी अच्छी डील दिखाने के लिए। तो दोस्तों आज की तमाम डील जो आप लोगों ने देख ली है, 3 फॉर्च्यूनर, 1 पजेरो और 1 स्कॉर्पियो, काफ़ी अच्छी अच्छी कारें जो थी आज आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिली। तो दोस्तों आप लोग पूछते हैं कि मैं नंबर जो वो कार डीलर्स का नहीं डालता हूँ, आप लोगों से विनती है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, जितने भी डीलर्स हैं सबके नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी किस तरह का ब्लॉग रहता है, आप लोगों का प्यार जो वो हमेशा मुझे मिलता रहता है, कार शॉपर्स का जो ब्लॉग था, वीडियो था, ये आप लोगों को किस तरह का लगा मुझे कमेंट में ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि आप लोग बताएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार खूब मिल रहा है, चाहता हूँ और ज़्यादा मिले। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि मेरा मोटिवेशन जो आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं, आप सबका आभारी हूँ, बहुत प्यार मिलता है मुझे। बाकी चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कारों के साथ एक नए डीलर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।